जगदलपुर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने घोर नक्सल प्रभावित बीजापुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जगदलपुर में के विजय कुमार ने कोऑर्डिनेशन सेंटर में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से निकलने के बाद विजय कुमार ने बताया कि हमारा फोकस बस्तर में सुरक्षा और विकास को लेकर है। नक्सल क्षेत्रों में जिस प्रकार से जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, आगे भी इसी प्रकार के काम चलते रहेंगे। समर्पण नीति को लेकर के विजय कुमार ने कहा कि यह अच्छी नीति है और इलाकों से नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस दौरे को अहम माना गया है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास पुलिस की पहली प्राथमिकता है। प्लेस करने के लिए आया, काफी इम्प्रूवमेंट है। दो पॉइंट, दो मुद्दे हम फोकस किए थे, एक तो सिक्योरिटी, दूसरा डेवलपमेंट। एक हमेशा यह साथ ही जा सकते हैं, अलग अलग नहीं है, अलग अलग भाग नहीं है। इसलिए हम कलेक्टर साहिबान से भी बात किया, खास करके बीजापुर और सुकमा में, और यहाँ स्टॉपेज पॉइंट। हमारा साथ सारे सीनियर ऑफिसर्स थे, डीजी सीआरपी थे और यहाँ का स्पेशल डीजी मिस्टर जुनेजा, अशोक जुनेजा। तो हम पूरा असेस करने के लिए कैसे चल रहे पूरा। सो ओवरऑल हमारा स्थिति अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत, तालमेल बहुत ठीक है, और भी बढ़ाने के, इम्प्रूव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।